पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाजपत नगर की रामलीला में अहिल्या द्वार का मंचन से लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की जनकपुरी के सैर तक का मंचन किया गया। मंचन में गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अहिल्या के पत्थर की शिला बनने के पीछे की कहानी बताई। इसके बाद प्रभु श्री राम ने जैसे ही पत्थर की शिला को छुआ तो अहिल्या शिला से नारी के रूप में प्रकट हुई। इस तरह अहिल्या का उद्धार हुआ। जनकपुरी में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जैसे सुंदर राजकुमारों को देख लोग हर्षित होते हैं। व्यवस्था में महेश चंद्र अग्रवाल, विनोद सक्सेना, मुकुल बंसल, श्याम किशोर रस्तोगी, राजीव अग्रवाल, नरेंद्र सिंह, मनोज व्यास, शरद अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। मती का चेत निकला, तूने गौतम को अर्धरात्रि में ही कुटिया से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं अब गौतम का भेद धारण करके अहिल्या के पास प्रवेश करता हूँ, चलता हूँ। अब गौतम का भेद धारण करता है। तेरा जल अब रत की धारा, तेरा जल अब रत की धारा। ये तूने सब पतितों को तारा, तूने सब पतितों को तारा। जैसा किया वो हमारी इच्छा थी, ऐसा ही होना चाहिए था। हम यही चाहते थे कि गौतम ऋषि अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाए और मैं देवराज इंद्र गौतम का वेश बना करके आश्रम में प्रवेश करता हूँ। अहिल्या, जिस समय तेरा निर्माण किया था ब्रह्मा जी ने, तुमने बहुत प्रार्थना की। देव में प्रणाम करती हूँ। अच्छा ठीक है, हम गंगा स्नान के लिए इसलिए नहीं गए कि थोड़ा हम अस्वस्थ हो गए। अभी तो आप देव गंगा स्नान के लिए गए थे, परंतु आप इतने जल्दी क्यों लौट आए? हम अस्वस्थ हो गए हैं।